हेलो, जय हिंद सभी एनडीए ऑफिसर्स, कैसे हो? तो वेलकम अगेन टू अनदर सेशन ऑफ बायोलॉजी, जिसमें मैं आपको छोटे छोटे टॉनिक दे रहा हूं पेपर से पहले, ताकि आपका स्कोर, कॉन्फिडेंस और सिलेक्शन तीनों चीजें बूस्ट हो सके। तो आज का टॉपिक है अपना न्यूट्रिशन, और न्यूट्रिशन के अंदर ही हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को भी पढ़ेंगे मात्र 15 मिनट के अंदर, और उससे कम भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे भाई आपका हम न्यूट्रिशन जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कुछ लाइफ प्रोसेसेस करते हैं, उनके अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है, वो कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज करते हैं, तो उसके लिए उन्हें चाहिए एनर्जी। और एनर्जी या तो वो इनऑर्गेनिक चीजों से खुद प्रोड्यूस करेंगे, या फिर बाहर से जो है किसी और की बनाई हुई जो एनर्जी से बनाए हुए मॉलिक्यूल से उनको इंटेक करेंगे और उसको ब्रेक करके उससे एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। तो उस फिनोमिना को कि बाहर से न्यूट्रिएंट्स लेना या न्यूट्रिशन लेना, ठीक है, तो उसके दो तरीके हैं। एक है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एक है हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक, ऑटो मतलब सेल्फ रनिंग, तो यहाँ पे आपका ऐसा ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे लिविंग्स जो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं बाय यूजिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ठीक है, और जिसको लाइट की, सनलाइट की प्रेजेंस में किया जाता है, तो उसे कहते हैं फोटोसिंथेसिस। उसके अलावा हेटरोट्रॉफिक, तो हेटरोट्रॉफिक के अंदर क्या होता है भाई, ये डिपेंड करता है ऑन अदर लिविंग्स, ठीक है, ये डिपेंड करते हैं अदर लिविंग्स पे, उनके प्रोडक्ट्स पे। तो यहाँ पे भाई कैसे चलता है मामला देखते हैं डिटेल में। तो ऑटोट्रॉफिक मोड के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए भाई वाटर, CO2, ठीक है, उसकी ये तो आ गए रॉ मटेरियल। अब सनलाइट चाहिए उसको तोड़ने के लिए, तो सनलाइट के लिए क्लोरोफिल चाहिए जो उसको एब्जॉर्ब कर पाए और फोटोसिंथेसिस करवा पाए। तो यहाँ पे भाई ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी यूज हो रही है। तो CO2+ वाटर को जब सनलाइट मिलती है, तो क्लोरोफिल जो लेके आता है वो फिर क्या करता है, इस वाटर को तोड़ देता है H2+O2 के अंदर। यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है कि वाटर जो है ये आपका H2+O2 में टूटता है, और ये हाइड्रोजन जो है वो रिड्यूस कर देती है इस CO2 को टू ग्लूकोज, ठीक है, रिड्यूस कर देती है। और ये जो ऑक्सीजन आई है यहाँ पे, ये किससे आई है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये पानी से आती है, वाटर से आती है, ठीक है। तो इस तरीके से फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है। अब प्लांट्स क्या करते हैं, जो CO2 वगैरह लेते हैं, इनके लिए इनके पास क्या होता है, इनके पास जो लीव्स वगैरह है उनमें होल्स होते हैं, ठीक है, जिनको स्टोमेटा बोलते हैं। तो वहां से एनर्जी का एक्सचेंज, वो CO2 और O2 का एक्सचेंज करते हैं, ठीक है, और रूट्स से जो है H2O को लेके आते हैं, और फिर लीव्स वगैरह जो क्लोरोफिल है जिसे किचन ऑफ सेल बोला जाता है, तो वहां पे ये प्रिपेयर होता है, ठीक है। उसके बाद भाई ग्लूकोज को क्या करते हैं, वो यूटिलाइज कर लेते हैं अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, और साथ में कुछ को स्टोर कर लेते हैं। और स्टोर किस फॉर्म में करते हैं भाई, ये स्टार्च की फॉर्म में। किस फॉर्म में स्टोर करते हैं प्लांट अपना न्यूट्रिशन, स्टार्च की फॉर्म में। और कल को पूछ ले कि एनिमल कैसे करते हैं, तो एनिमल भाई आपके ग्लाइकोगन की फॉर्म में, ठीक है, ग्लाइकोगन की फॉर्म में आपके एनिमल स्टोर करते हैं। उसके बाद आगे बढ़ो, अब बात करते हैं हेटरोट्रॉफिक। तो हेटरोट्रॉफिक मोड बाहर से कंज्यूम करना है, तो कैसे कैसे कर सकते हैं। पहला तरीका है होलोजोइक, यानी उनके पास एक होल होगा, एक ओपनिंग होगी, वहां से वो सॉलिड फूड लेंगे, अपनी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट करेंगे, वेस्ट निकाल देंगे। अरे इससे तो हम खुद करते हैं, बिल्कुल सही, होलोजोइक के अंदर आपके सभी एनिमल्स आते हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। उसके अलावा अमीबा, अमीबा भी जो है होलोजोइक से ही इनटेक करता है। नेक्स्ट इज सेप्रोफाइटिक, तो इसमें क्या करते हैं, ये ऑर्गेनिज्म डेड और डिकेइंग मैटर पे फीड करते हैं, ठीक है, जैसे ब्रेड माउल्ड हो गया, मशरूम, फंजाई, ये सेप्रोफाइटिक है आपके। पैरासाइटिक जो है वैसे लिविंग जो पैरासाइट की तरह होस्ट की बॉडी पे रहते हैं, तो यानी माइट, स्टिक्स, कसकटा, ये सब आपके, कसकटा जो है अमरबेल जिसे बोलते हैं, ये एज अ पैरासाइटिक जो है पैरासाइट की तरह रहते हैं, होस्ट बॉडी पे रहते हैं, उससे न्यूट्रिशन खींच लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। उसके अलावा भाई अमीबा का जो फूड इनटेक का प्रोसेस, उसे एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। कैसे चलता है ये, तो इस तरीके से आपका अमीबा रहता है, इसके आसपास जब आपका प्रे आता है तो ये क्या करता है, उसके चारों तरफ जो है सराउंड कर लेता है, इस टाइप से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना लेता है, जिसे कहते हैं हम सूडोपोडिया। तो सूडोपोडिया की मदद से जो है वो उसको क्या करता है, उसका इनटेक करता है, और फिर जो है उसको फूड वैक्यूल की फॉर्म में यहाँ पे रखता है, यहाँ पे उसको डाइजेस्ट करता है, ठीक है,
तो यहाँ पे उसको डाइजेस्ट करता है, इसे कहते हैं फूड वैक्यूल, और फिर यहीं से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करके वेस्ट को बाहर निकाल देता है। इस प्रोसेस को कहते हैं फैगोसाइटोसिस या एंडोसाइटोसिस। अमीबा क्योंकि यूनिसेलुलर है, एक ही सेल को सारे काम करने हैं, तो अगर मल्टी सेलुलर पे जाओगे तो यही चीजें थोड़ी सी क्या हो जाती है, कॉम्प्लेक्स हो जाती है। जैसे दिस इज ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ये आपका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है। एक ग्लिम्स देता हूं आपको, फिर जो एक एक चीज बताऊंगा, छप जाना चाहिए दिमाग में पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम। तो भाई आपका जो है माउथ से लेके और एनस तक जो है आपका एक ये सिंगल पाइप है जिसे एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। साथ में कुछ एडिशनली पार्ट जुड़े हुए होते हैं, पेनक्रियाज, लीवर, इस तरीके के, ठीक है। तो यहाँ पे भाई इसकी लेंथ जो है लगभग 9 मीटर की होती है। उसके बाद जब आप यहाँ से खाना खाते हो, माउथ में चलता है, फिर आगे बढ़ेगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे कुछ होगा स्टमक में, फिर आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ होगा, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ होगा, और फिर यहाँ रेक्टम में स्टोर करके, और फिर एक साथ जो हम यहाँ से निकाल देते हैं, डेली वेस्ट को रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो कैसे क्या क्या चीजें चलती है आपका, देखो यहां से ऊपर जो है ये आपका चेस्ट कैविटी, दिस इज चेस्ट कैविटी, या फिर इसको कहते हैं थोरासिक कैविटी, जहां पे आपका क्या आता है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो आता है। दिस इज एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर क्या आता है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम आता है। तो ये आपकी एब्डोमिनल कैविटी है, ठीक है। तो यहाँ पे चलो जानते हैं एक एक चीज को डिटेल में। तो यहाँ पे भाई डाइजेस्टिव सिस्टम एक सिंगल पाइप माउथ से एनस तक, जिसे गट भी बोलते हैं, लेंथ 9 मीटर एलिमेंट्री कैनाल की, ठीक है। लेंथ लगभग आपकी 9 मीटर या 30 फुट के करीब होती है, ठीक है। तो कैसे क्या क्या प्रोसेस होते हैं, सबसे पहले हम इंजेशन यानी इनटेक करते हैं खाने का, फिर उसको ब्रेक डाउन करते हैं यानी डाइजेशन करते हैं, फिर उससे एब्जॉर्प्शन करते हैं, फिर उस एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट को यूटिलाइज करते हैं यानी एसिमिलेशन, फिर जो है वेस्ट को निकाल भी देते हैं, तो इजेशन। तो ये 5 स्टेप्स में आपका जो है न्यूट्रिशन लेता है एक मल्टी सेलुलर। तो कैसे होता है भाई ह्यूमन बॉडी के अंदर, तो सबसे पहले बक्कल कैविटी या माउथ होता है जहां से हम इनटेक करते हैं। तो खाना खाते ही उसको 2-4 चीजों का सामना करना पड़ता है। वो क्या क्या चीजें हैं भाई आपकी, जैसे दांत है च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग के लिए, उसके अलावा आपकी टंग है रोलिंग एंड ट्विस्टिंग के लिए, उसके अलावा आपकी क्या है भाई सलाइवरी ग्लैंड से जो सलाइवा रिलीज करती है, ठीक है। तो एंजाइम रिलीज करते हैं सलाइवा, तो उसके अंदर भाई सलाइवरी अमाइलेज और आपका म्यूकस भी होता है, सलाइवरी अमाइलेज, इसके अंदर टाइलिन नाम का भी पिगमेंट होता है। तो ये ब्रेक डाउन करता है किसका, स्टार्च का, ठीक है। म्यूकस जो है वो आपकी लाइनिंग बनाता है नेसल कैविटी और इस ऑर्गन की, तो उससे वो प्रोटेक्ट करता है आपका उन ऑर्गन्स को, ठीक है। तो यहाँ पे भाई आपको टिथ के बारे में थोड़ा सा और पता होना चाहिए, यहाँ पे मैं बता देता हूँ। तो आप टिथ देखोगे आपके, तो क्या होता है भाई, ये आपके इस तरीके से इंसीजर है, फिर कैनाइन है, फिर आपका जो है प्री मोलर है, फिर उसके बाद जो है आपके मोलर है। तो ये आपका आधा जबड़ा है, इसको इधर बनाओगे तो डबल और ऊपर बनाओगे तो पूरा। तो कितने हैं भाई, 2 इंसीजर, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर और 3 मोलर, यानी 21-23। 21-23 आपका होता है डेंटल फॉर्मूला, एक अडल्ट का डेंटल फॉर्मूला अगर पूछ ले डेंटल फॉर्मूला तो ये आप बता दोगे, ठीक है। उसके अलावा भाई आपका एक चाइल्ड के लिए, ह्यूमन बेबी के लिए अगर बात करोगे तो ये आपका होता है 21-02। तो ये याद रखना आपको, ठीक है। तो इस तरीके से दांत जो है वो आपके होते हैं। दांतों पर सबसे हार्ड कवरिंग होती है किसकी होती है, सबसे हार्ड कवरिंग जो दांतों के ऊपर होती है इनेमल की। क्या किससे कवर्ड होते हैं भाई, इनेमल, हार्डेस्ट सब्सटेंस जो ह्यूमन बॉडी के अंदर पाया जाता है डेट इज इनेमल, ठीक है। तो इसकी हेल्प कौन करता है, फ्लोरीन, तो इसलिए फ्लोराइड के जो है आपके टूथपेस्ट वगैरह होते हैं कैविटी वगैरह से बचा देगी। ओएसोफेगस भाई आगे पाइप माउथ से स्टमक तक, तो फूड को लेके जाता है। इसके अंदर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स होते हैं यानी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है मसल्स का, तब खाना आगे बढ़ता है, ग्रेविटी से नहीं होता, ठीक है। स्टमक जो है उसके अंदर डाइजेशन होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जब गैस्ट्रिक जूस रिलीज करती हैं। तो 3 चीजें होती हैं, HCL है, पेप्सिन है और म्यूकस है। तो HCL आपका बैक्टीरिया जर्म्स को मार देता है, पेप्सिन जो है ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन का, उसके अलावा भाई म्यूकस जो है ये आपका प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है स्टमक की, क्योंकि HCL इसके अंदर कंसंट्रेटेड होता है, ठीक है। और यहाँ पे आप एडिशनली ये क्या करता है, माहौल बनाता है पेप्सिन के लिए। माहौल कैसे बनाएगा, इट मेक मीडियम एसिडिक। तो ये क्या बनाता है भाई, उसको एसिडिक बनाता है मीडियम को, ताकि पेप्सिन जो अच्छे से काम कर सके, क्योंकि पेप्सिन में क्या आ रहा है, पेप्सी, और पेप्सी एसिडिक होती है, तो पेप्सिन एसिडिक में अच्छे से काम
करेगा, ठीक है भाई, म्यूकस उसको लेयर बनाएगा, बचाएगा, इसीलिए कम ज्यादा हो जाता है। तो एसिड बेस में बात की थी ना, एसिडिटी बन जाती है, एंटा एसिड लेते हैं, ये वही HCl है, ठीक है। उसके बाद भाई स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती हैं चीजें, तो यहाँ पे एक दो चीजें याद रखना, जैसे आपका जब लार्ज, ये आपका पेट हो गया, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, तो यहाँ पे जो ये पेट और इसके बीच में है, इसको बोलते हैं पाइलोरस, तो ये है आपका पाइलोरस, और यहाँ पे जो फूड आता है उस फूड को क्या बोलते हैं, काइम, दिस इज सेमी डाइजेस्टेड फूड जो पेट से निकलता है। तो भाई स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्गेस्ट पार्ट एलिमेंट्री कैनाल का, 5 से 6 मीटर इकलौती आपकी क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो कंप्लीट डाइजेशन जो है यहाँ पे होता है, कैसे, क्योंकि 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आपके लगते हैं, इंटेस्टाइनल जूस इंटेस्टाइन खुद रिलीज करता है, पेनक्रियाटिक जूस जो पेनक्रियाज एक ग्लैंड है वो अटैच होती है उससे आता है, बाइल जूस आपका लीवर प्रोड्यूस करके गैल ब्लैडर में स्टोर कर लेता है वहां से आता है। तो आपका इंटेस्टाइनल जूस कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोस में तोड़ देता है, ठीक है, किसमें तोड़ देता है भाई, ग्लूकोस के अंदर। तो ये भाई आपका ग्लूकोस के अंदर तोड़ देता है, उसके बाद प्रोटीन को अमाइनो एसिड्स में तोड़ देता है, फैट को फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में तोड़ देता है, ठीक है। उसके बाद पेनक्रियाटिक जूस में ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन का डाइजेशन करता है, लाइपेज एमल्सिफिकेशन करता है फैट का, ठीक है, फैट को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ता है। बाइल जूस जो है ये यहाँ पे माहौल बनाता है, ये क्या करता है, मीडियम को एल्कलीन बना देता है ताकि इन ट्रिप्सिन वगैरह इनकी एफिशिएंसी बढ़ जाए। उसके अलावा ये लार्ज फैट ग्लोबुल्स को तोड़ने का भी काम करता है। और जब इतना सारा एक्शन होता है तो फाइनली जो आपका फूड है वो कम्प्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है। तो यहाँ पे कम्प्लीट डाइजेशन ऑफ फूड कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। उसके बाद रुको, स्मॉल इंटेस्टाइन का मामला अभी खत्म नहीं हुआ। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आप देखोगे तो और भी चीजें होती हैं, ठीक है, 3 पार्ट्स में आप बांट भी सकते हो, ड्यूओडेनम, जेजुनम और इलियम। ड्यूओडेनम, जेजुनम और इलियम, अरे स्पेलिंग लिख दो सर, तो ये लो भाई, ड्यूओडेनम, जेजुनम और इलियम। तो ये भाई आपका क्या है जो है डिवाइड कर रखा है इसके पार्ट से। तो इसके अंदर भाई, अच्छा यहाँ लिख रखा है, अरे वाह, मैं भी कह रहा कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे भाई आपका, यहाँ पे जो है उसके अलावा भाई इसी के अंदर क्या होता है, आपका विलियाई होते हैं। इस विलियाई जो है एपिथीलियल टिश्यू, आपका कोलमनार एपिथीलियल टिश्यू, तो इस टाइप से होते हैं, रिच ब्लड सप्लाई होती है उनके अंदर, लार्ज सरफेस एरिया के लिए शेप के हैं। तो ये क्या है भाई, विलियाई है। यहाँ पे क्या होता है आपका एब्जॉर्प्शन, जो एब्जॉर्प्शन वाला पार्ट है, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना, वो आपका विलियाई ही करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन वगैरह हो जाता है, फिर वो वेस्ट आगे बढ़ता है लार्ज इंटेस्टाइन में। तो लार्ज इंटेस्टाइन में अगर कोई न्यूट्रिएंट्स रीअब्जॉर्ब होने हैं वो हो जाएगा, कोई वाटर वगैरह जो है रीअब्जॉर्ब होना वो हो जाएगा। उसके अलावा बिलरुबिन नाम का पिगमेंट लीवर से आ जाता है, और ये जो है क्या कलर देता है, येल्लो कलर देता है, फैसेट्स को येल्लो कलर देता है, ठीक है। तो वेस्ट हम जो एनस है उससे बाहर फेंक देते हैं, इसके बीच में एक रेक्टम नाम की जगह होती है, ठीक है। तो रेक्टम, इस पे टेम्परेरली जो आपका वेस्ट जो है वो रुकता है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद भाई ये रहा, देखो लास्ट में टिथ भी बता रखा है कि मेड अप ऑफ डेंटाइन, डेंट जो है कवर्ड बाय एनेमल, डेंटाइन से बने, एनेमल से कवर्ड है, इंसीजर कटिंग करते हैं, कैनाइन टीयरिंग करते हैं, प्रीमोलर मोलर ग्राइंडिंग करते हैं। ये डेंटल फॉर्मूला भी लिखा हुआ है 21-23 और 21-02। कैनाइन जो है ये स्क्वायरल और रैबिट में एब्सेंट होते हैं। लास्ट मोलर टीथ को विजडम टीथ भी बोला जाता है, अक्कल जाड़, आपने लोकल में सुना होगा, तो वही आपका क्या है भाई, उसी को आपका बोलते हैं मोलर टीथ। तो इस तरीके से आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम चलता है, ठीक है। एक एक पॉइंट जो है आपका क्वेश्चन बना सकता है, आपको एक एक पार्ट पूछ लेगा, जेजुनम किसका पार्ट है, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन आप कर पाओगे, ठीक है। उसके अलावा भाई जिनको सुमित सर से मिलना है, डिस्कस करना है एनडीए वगैरह के बारे में, अगला अटेम्प्ट देना चाहते हो और पटना के आसपास रहते हो, ठीक है, तो आप फ्री वर्कशॉप अटेंड कर सकते हो पटना के अंदर जो हो रही है 28 तारीख को, ठीक है। तो आप जा सकते हो, 11 से 3 की इसकी टाइमिंग रहेगी। तो यहाँ पे आपको एसएससी और डिफेंस दोनों के एडुकेटर्स मिलेंगे, तो आपका कोई भाई बहन वो है एसएससी वाला, उसको भी ले जा सकते हो, या आप खुद सोच रहे हो तो भी। तो आप यहाँ पे उनके डाउट, स्ट्रेटजी, आप कैसे तैयारी करें, अपनी प्रॉब्लम शेयर करके इनसे सलाह ले सकते हो, और फ्री वर्कशॉप है भाई,
ठीक है, तो आपको फ्री वर्कशॉप में आप सजेशन वगैरह ले सकते हो, और आसपास रहते हो तो बिल्कुल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा आप अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो अपने अलग अलग एग्जाम्स की तैयारी के लिए, LWS 10 लगा के। जैसे NDA करोगे आपको तो सारे जो है वो पूरा कंप्लीट सिलेबस मिलेगा आपको, ठीक है। उसके अलावा आपके प्रैक्टिस बैच मिलेंगे, MCQ सीरीज मिलेंगी, ठीक है, ये सब आपको एक ही सब्सक्रिप्शन से मिल जाएगा। उसके अलावा मॉक टेस्ट वगैरह, स्पेशल क्लास, सब जो है यहाँ पे आपको मिल जाएगा। टॉप एडुकेटर्स यहाँ पे आपको पढ़ाएंगे। उसके अलावा नोट्स भी मिलने लगे अब तो, जो आपके सॉफ्ट कॉपी मिलेगी, प्लस लोगे तो आइकॉनिक लोगे तो आपको प्रायोरिटी भी मिलेगी क्लास में, डाउट्स में। उसके अलावा फिजिकल नोट्स भी मिलेंगे, घर पे आ जाएंगे। उसके अलावा यहाँ पे अनअकैडमी लाइट अभी लॉन्च किया है अनअकैडमी ने, कि 319 जितने प्राइस में आपको 50+ मॉक टेस्ट दे रही है, NDA वगैरह के, PYQ टेस्ट, ये सब आप लगा के अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हो। प्रैक्टिस क्योंकि जरूरी है, आपको भी पता है मॉक टेस्ट की इंपॉर्टेंस, तो कोड पूछे तो LWS 10 लगा के आप ले लो, ठीक है, मैक्सिमम आपको डिस्काउंट मिल जाएगा ये लगाने पे, ठीक है। ऐप प्ले स्टोर में अवेलेबल, ठीक है। तो आई होप भाई आपको ये सारी चीजें क्लियर हुई होंगी और ये सेशंस पसंद आ रहे होंगे। पसंद आ रहे हैं तो डू कमेंट, नीचे कमेंट करके जरूर लिखना, ठीक है, क्योंकि मैं पहली बार इस टाइप के बूस्टर सेशंस, मैं कह सकता हूं कि यूट्यूब पे नहीं मिलते, आपको प्लस में भी नहीं मिलते, कहीं नहीं मिल रहे। ये जो है आपके लिए, मतलब सोचो कितनी बेहतरीन चीज है, अगर उसका बेनिफिट आपको मिल रहा है तो आप जो है इसमें जरूर कमेंट करके बताना, ठीक है। और पेपर दे के आओ तो पर्सनली भी मुझे बताना कि भाई कैसा रहा, आपने कितना फूडा। अच्छा लगता है जब आपका एक थैंक यू मैसेज भी आता है मेरे पास, ठीक है, और वीडियो पे आप जब रिस्पांस देते हो तो काफी अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है और लगता है यार कि हम भी कुछ कर रहे हैं, दैट इज मेकिंग वैल्यू इन समवंस लाइफ, ठीक है। तो भाई मिलते हैं ऐसे ही अमेजिंग सेशंस में, तब तक पढ़ाई करते रहो, पेपर पास है, फोड़ना है इस बार आपको, ठीक है, रुकना नहीं है, ठीक है, रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, बस सिलेक्शन लेना है, ठीक है। चलो मिलते हैं आपसे अगली ऐसी वीडियोज में। जय हिंद, टेक केयर।